अगर वो कहेंगे राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मोदी जी के हक में नहीं है तो आपको स्थान नहीं मिलेगा। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। फर्स्ट आई एंडोर्स एवरी वर्ड दैट हैज बीन स्पोकन हियर। आई कंडेम द अरेस्ट ऑफ माय फ्रेंड आनंद एंड ऑल द अदर अरेस्ट and almost all of them are my personal friends over a period of 30, 40, 50 years. I condemn their arrest, I condemn the harassment. Uma is also my friend. She has mentioned the emergency many times. She and I are documenters of the emergency. Emergency mein mass arrest hue the, magar mass murders nahi hue the. आज यूपी में ही विदाउट लीगल सैंक्शन कितने लोगों को फॉल्स एनकाउंटर में मारा गया है आप हमसे पूछिए। यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए हैं, हम यूपी हरियाणा और बिहार कई प्रांतों में पिछले 1.5 साल से घूम रहे हैं। इस्लामोफोबिया के अंतर्गत गौरक्षक कानून के अंतर्गत बिना वीज़ा के बिना पोटा के कितने लोग जेल में, कितनी विधवाएँ हैं वहाँ पर, जाके देखिए जाके गिनिए। आतंक फैलाने के लिए बहुत ही सटल तरीके इस्तेमाल कर जा रहे हैं। इंडियन कंट्री साइड पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक इंक्लूडिंग वो प्रांत जहाँ पे भाजपा रूल नहीं कर रही है, ग्रास रूट पे आतंक है, पुलिस का साम्राज्य है, सिविल मैजिस्ट्रेट लोअर जुडिशरी बिल्कुल आईपीसी को फेंक चुकी है, उसको कोई भी सीआरपीसी आईपीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो मर्जी करेगा नहीं करेगा, बेल देगा नहीं देगा आर्बिट्री है, जैसे सिक्का उछाल के अगर अट पड़ा तो बेल देंगे, पट पड़ा तो नहीं देंगे, और अंतर तो हमारे पिताश्री का है ही है। इस तरीके की सिचुएशन में जैसे कहा गया जो स्पोक्सपर्सन हैं, जो उसके ऊपर कचहरी में लड़ेंगे, जो अखबार में लिखेंगे, जो सिविल सोसाइटी में एक्टिविज्म में एडवोकेसी में काम करेंगे, उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल्स को जिस तरीके से उनको सताया जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जा रही है, उनको डराया जा रहा है, उसका मतलब साफ है, ताकि जो आपका जुर्म है कंट्री साइड पर उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं मिले। हिमांशु ने कितने ज़ोर से कहा कि हम नक्सलियों को जानते हैं, उनसे मिलते हैं, अब पत्रकार के नाते हम चोर से भी मिलते हैं, उचक्के से मिलते हैं, और नेता से मिलते हैं, और क्लीन चिट वाले नेता से भी मिलते हैं, भूल जाते हैं कि ये भी कभी कगार में खड़े थे, इनको भी बेल हुई, क्लीन चिट आने से पहले ये भी गुनाहगार थे। और आखिरी बात मैं कहना मांगता हूँ, आज ऐसा मुकाम पे हम खड़े हैं जहाँ पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी मुश्किल पड़ती है। यहाँ पे आपने प्रेस क्लब में आप मिल गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, मगर यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद नोटिस आ जाते हैं। और कहीं पे आप जाएं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जाएं, हैबिटेट जाएं, दिल्ली में किसी भी होटल में जाके अगर आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो पहले पूछेंगे क्या राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर वो कहेंगे राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मोदी जी के हक में नहीं है तो आपको स्थान नहीं मिलेगा। प्रेस को सप्रेस करने के बड़े तरीके हैं। मणिपुर में पत्रकार, और मैं जुलाई में 50 साल हो जाएंगे मेरे को पत्रकार बने हुए, मैं घड़ी घड़ी ये बात कहता हूँ, मणिपुर में पत्रकार जेल में हैं, कई कार्टूनिस्ट कई सोशल मीडिया पत्रकार आजकल बहुत हैं, और जो भी लिखता है पत्रकार है, मेरे कहने से कोई सरकारी डिग्री लेने से पत्रकार नहीं बनता है, जो भी लिख रहा है किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को, आपने कार्टून बनाया मोदी के खिलाफ आप अरेस्ट हो गए। मैं रोज़ मोदी के खिलाफ लिखता हूँ, वो थोड़ा सा फ़र्क कर देते हैं, अगर आप अकेले हैं तो आप पकड़े जाएंगे। और क्या होता है आतंक, और क्या होता है रिप्रेशन, क्या होता है रिप्रेशन, है रोते को रोना देना मना करना, जो करा रहा है उसकी कराहट को बंद करना, उसको रिप्रेशन कहते हैं। चोर को जेल में डालना रिप्रेशन नहीं है, खूनी को फांसी चढ़ाना हालांकि मैं फांसी के खिलाफ हूँ वो रिप्रेशन नहीं है, इनोसेंट को बेकार को कमज़ोर को उसको सताना रिप्रेशन है। और आज हम ग्रास रूट्स में रिप्रेशन देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रिप्रेशन देख रहे हैं, बाकी जगह प्रेस में रिप्रेशन देख रहे हैं, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा
संस्कार हैं यही हमने पढ़े हैं अपने बड़ों से, हमारा अधिकार है, कानून हमको कहता है, और हमारी आत्मका कॉन्शियस यही कहती है। ये बोलने मैं यहाँ आया था। धन्यवाद। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।